एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही रंगीन तोती रहती थी। उसका नाम था परी। परी कोई आम तोती नहीं थी, वह गांव के सभी तोतों की राजकुमारी थी। परी के पंख हरा, नीला और लाल रंगों में चमक रहे थे। एक दिन परी ने फैसला किया कि वह नजदीकी जंगल की खोज करेगी। जब वह पेड़ों के बीच उड़ती हुई वहां पहुंची तो उसने देखा कि सभी रंगों के पक्षियां वहां हैं, लाल, पीला और सामान्य भूरा भी। परी अपने रंगीन पंखों पर गर्व करती है और सोचती है कि वह सबसे खूबसूरत है। जैसे ही उसने अपना सफर जारी रखा, उसने एक भूड़े होशियार उल्लू को एक डाल पर बैठा हुआ देखा। होशियार उल्लू ने परी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजकुमारी, सच्ची सुंदरता रंगों में ही नहीं, दिल में होती है। हर पक्षी, चाहे उसका रंग जैसा भी हो, विशिष्ट और विशेष होता है। परी को पहले समझ नहीं आई, लेकिन होशियार उल्लू ने एक जादुई कहानी सुनाई जिसमें एक साधा रंग का पक्षी था जिसके प्यारे गानों ने सभी को खुशी बांटी। परी ने समझा कि रंगीन होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दया और प्रेम होना ज्यादा बड़ी बात है। उसने तय किया कि वह जंगल के सभी पक्षियों से दोस्ती करेगी, चाहे उनके पंखों का रंग जैसा भी हो। उस दिन के बाद से राजकुमारी परी और उसके नए दोस्त मिलकर गाते खेलते गांव में दोस्ती और खुशी के सुंदर मेलोडी से भर दिया था। और राजकुमारी परी ने सीखा कि असली सौंदर्य दया और प्रेम होने से आता है। और इसी तरह राजकुमारी परी के साहस की सीख ने गांव के सभी पक्षियों के साथ साझा की गई। उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी की महत्व को समझा और गांव में जहां हर पक्षी रंग चाहे जैसा भी हो विशेष और प्रेमित महसूस करता था,